नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर मंदिर है हनुमान जी महाराज का। मनमोहक मुहूर्त आप सामने देख रहे होंगे, सब भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। ये हमारी झांसी है, आप देख सकते हैं ये झांसी के स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। अब रंगाई पुताई स्टेशन की हो गई है, कोरोना काल में सब ऐसे ही उजड़ा उजड़ा सा दिखता था, आज रौनक है, चहल पहल है और सुंदरता का स्वरूप देख सकते हैं आप। पुताई हो चुकी है, कितना सुंदर लगता है हमारा झांसी स्टेशन, देख रहे होंगे आप। ये प्राचीन काल की डिज़ाइन में बना हुआ, अंग्रेज़ों की जो किले हुआ करते थे उस डिज़ाइन में बना हुआ हमारा झांसी का स्टेशन। चहल पहल, लोगों का आवागमन, यात्रियों का अब चालू हो गया है, आप देख रहे हैं। स्टेशन के बाहर का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं रात में मार्केट संवाद चैनल पर। अब अपना भारत और झांसी कोरोना की जंग जीतने की ओर है, क्योंकि अब कोरोना पॉजिटिव केस भी कम निकल रहे हैं झांसी में, सैंपल ज़्यादा जा रहे हैं। प्रशासन के हर संभव कोशिश के बाद लोगों को जो सड़क पर उतर के जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने जो जागरूक किया लोगों को, उसका नतीजा रहा कि झांसी अब कोरोना से विजय की ओर है। और अब प्रशासन के भरपूर प्रयास से अब हर संभव कोशिश हो रही है कि टीकाकरण करा दिया जाए। लास्ट दिसंबर जनवरी तक पूरी तैयारियां प्रशासन कर रहा है। आइए हम कुछ यात्रियों से, कुछ लोगों से कोरोना टीकाकरण के बारे में चर्चा करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, सुझाव लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, कोरोना का टीकाकरण जल्दी होने वाला है, आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, क्या सुझाव है? सर, हमको तो ये जानकारी नहीं थी कि मतलब कोरोना का टीकाकरण होने वाला है, इसलिए मतलब हमारी टिकट ठीक हुआ जाने का, तो मतलब टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, झांसी में जल्दी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होने वाला है, तो आपका क्या सुझाव है, क्या राय है आपकी? यही सुझाव है कि सब लोगों को मिलना चाहिए टीकाकरण, सबको होना चाहिए। धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अब जल्दी कोरोना का टीका लगने वाला है झांसी में, तो आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव है आपका? सर, जल्दी हो जाए। जी, जल्दी हो जाए। कहाँ के हो आप? खजराव। आप क्या कहते हो? सही, यही कहते हैं सर कि लग जाए जल्दी, जो ना कोरोना का टीका लग जाए। धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अब जल्दी होने वाला है पूरे भारत में और झांसी में भी। अच्छा। तो आप क्या सोचते हो, क्या सुझाव है आपका? हमारा सुझाव जल्दी होना चाहिए। कहाँ के हो आप? यूपी। आप क्या सोचते हो बेटा, टीकाकरण के बारे में, कोरोना वैक्सीन का अब टीकाकरण होने वाला है जी, क्या सोचते हैं, क्या सुझाव है आपका? सुझाव अच्छा होना चाहिए टीकाकरण। धन्यवाद। भाई जान नमस्कार। अब टीकाकरण होने वाला है कोरोना वैक्सीन का जल्दी ही, तो आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? थोड़ा जल्दी हो जाए, जल्दी ही कोशिश है प्रशासन की। धन्यवाद। भाई जान नमस्कार। अब टीकाकरण होने वाला है अपनी झांसी में कोरोना वैक्सीन का, आपकी क्या सुझाव है, क्या राय है? टीकाकरण मेरे ख्याल से जो विश्व में प्रदर्शन में दिखाया जाता है, इंग्लैंड वगैरह में कई जगह, मतलब इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुक कर टीकाकरण करना चाहिए, उसका रिजल्ट देखना चाहिए, जल्दबाजी में टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। अपनी झांसी में जो वैक्सीन आएगी या भारत में, पहले टीकाकरण होगा तभी तो रिजल्ट का पता चलेगा। अभी तो प्रशिक्षण हुआ है, उसे ट्रायल करा है, तो खरा उतरा है, अब लोगों में जब ज़्यादा लगेगा तब पता चलेगा। हाँ, तो लेकिन तब भी हमें अलर्ट रहना होगा, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। ये अमेरिका वगैरह है, नहीं अगर डिसीजन नहीं लेगी सरकार, तो लोग कहते हैं टीकाकरण नहीं करा रहे, भय में रहता है आदमी। नहीं,
इसमें मेरा जो विचार है, मेरा ये विचार है कि वैक्सीन इतने कम समय में बनना संभव रहता है, क्योंकि आपने इंग्लैंड वगैरह में देखा होगा जल्दी लगाने से कई उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। धन्यवाद सर। अब टीकाकरण होने वाला है कोरोना वैक्सीन का, जल्दी प्रशासन कोशिश में है, तो आपका क्या सुझाव है, क्या राय है आपकी? साथ में किया जाए। धन्यवाद भाई जान। नमस्कार। अब कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होने वाला है जल्दी ही झांसी में, आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव है आपका? जल्दी से ठीक रहेगा। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं सर? जल्दी आ वैक्सीन हम लोग लगवाने के लिए तैयार हैं। जल्दी वैक्सीन आए हम लोग लगवाने। टीकाकरण के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या सुझाव है? वैक्सीन जल्दी आए, इससे अपने बीमारी से बचाव हो सके, इसलिए अच्छा सोचते हैं जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए, हम लोग सब तैयार हैं लगवाने। धन्यवाद सर। आप क्या सोचते हैं टीकाकरण के बारे में, क्या सुझाव है आप? टीकाकरण तो फेल है भाई, सब क्या सोचने के लिए, टीकाकरण कुछ नहीं है, फेल है सब। फेल है? हाँ बिल्कुल फेल है। टीकाकरण होने के लिए अभी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को लगा था, वो फेल हो गया। क्या टीकाकरण क्या है? आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव है आपका? ये तो पूरे हरियाणा की रिपोर्ट से लगता है कि हिसाब से टीकाकरण सक्सेस नहीं है। जो रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक टीकाकरण का कोई अभी सक्सेस नहीं हुआ है। धन्यवाद। जानकारी आने के बाद पता चलेगा। धन्यवाद। अब आप झांसी की चहल पहल देख सकते हैं स्टेशन के बाहर की, धीरे धीरे वैसी ही रौनक लौटने लगी है, आप देख रहे होंगे। झांसी का रेलवे स्टेशन है, यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए। अब कोरोना की टीकाकरण होने वाला है, क्या सोचते हो आप, क्या सुझाव है? सर कुछ नहीं, ऐसा है कि सब बरक ही रहे कोरोना से। धन्यवाद। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।